ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में सेक्टर 21 में बनने वाला इंटरनेशनल फिल्म सिटी का भी स्टॉल लगा। इसमें फिल्म सिटी से जुड़ी जानकारियां आपको मिल सकती हैं। अब नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की जिम्मेदारी फिल्म निर्माता बोनी कपूर और भूटानी ग्रुप की संयुक्त कंपनी बेव्यू भूटानी फिल्म सिटी और प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है। इसी को लेकर फिल्म सिटी की पार्टनर कंपनी भूटानी ग्रुप के प्रतिनिधि से बातचीत की है भारत एक्सप्रेस ने। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी जो है वो उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है, और इसको लेकर देखिए यूपी सरकार की आखिर क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से उसको बनाया जा रहा है, इसकी एक वानगी हम कह सकते हैं, एक तस्वीर, एक झलक यहां देखने को मिली है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में। और क्या इसकी खासियत रहने वाली है ये भी हम आपको बताएंगे। सर, आप अपना नाम बताइए और किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया जा रहा है, कितनी मेहनत। और मेरा नाम दामोदर मिश्रा है। बेसिकली क्या है, ये यूपी गवर्नमेंट भूटानी मिलके बना रहा है, ये पीपीपी मॉडल पे बनेगा। ये यमुना एक्सप्रेस वे सेक्टर 21 में आपका 230 एकड़ में हम फर्स्ट फेज इसको बना रहे हैं। बहुत जल्दी इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग होने वाली है, बस गवर्नमेंट के कुछ डिज़ाइन वगैरह फाइनलाइज होने के बाद हम लोग नेक्स्ट मंथ हम मोस्ट अर्ली हम लोग इसका ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इंटरनेशनल फिल्म सिटी बन रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 30 से ज़्यादा मूवी एक साथ कास्ट हो सकती हैं, ये प्रोविज़न यहाँ इसके अंदर बनाया गया है। और 3 साल में हम लोग इसको फर्स्ट फेज डिलीवर करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि इससे रोज़गार के अवसर काफ़ी पैदा होंगे, और ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है यूपी सरकार का, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विकास की राह पे आगे बढ़ेगा? आज के टाइम पे दुनिया की नज़र यूपी के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑर्डर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, ये जो रोज़गार मेला एक तरीके से ये जो लगा हुआ है इन्वेस्ट, इसके अंदर हर एक प्रोडक्ट का आपका एडवर्टीजमेंट हो रहा है। तो उसी बेस पे हम लोग ने ये शोकेस रखा हुआ है कि आने वाले टाइम में विद इन मंथ और टू हम लोग लेके आ रहे हैं, और इसका हमें अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमें परमिशन भी मिल गया लैंड का। तो विद इन मंथ और टू में हम लोग इसको ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे, जिससे रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे। और बाकी जो लोग मुंबई हैदराबाद जाके चीज़ें कर रहे हैं, आपको नोएडा के अंदर ही वो सारी चीज़ें मिलेंगी। चलिए, तो देखिए दूर दूर से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं इसको देखने के लिए, काफ़ी ज़्यादा खुश भी दिखाई दे रहे हैं। हर तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं भारत एक्सप्रेस पर। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ करिश्मा, भारत एक्सप्रेस के लिए।